अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्रिएट एप्लीकेशंस के माध्यम से बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हो। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनके पास में एक या एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है और वो जो अपनी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं वो नेट बैंकिंग के माध्यम से ही करते हैं, लेकिन उनको बिल पेमेंट करने में कुछ फायदा नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप बिल तो पे करेंगे ही, साथ में आपको अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल, पूरा स्टेटमेंट कि आपने क्रेडिट कार्ड से किस किस तरह की शॉपिंग कर रखी है वो भी जानकारी आपको उसी एप्लीकेशंस के माध्यम से मिलेगी और साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिलेगी, और आप चाहें तो ईमेल के माध्यम से भी पूरी स्टेटमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। और जब आप अपना बिल पेमेंट उस एप्लीकेशंस के माध्यम से करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं। आपके जितने ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट होंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको उस एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखाऊंगा और उसमें आपको अपना कार्ड ऐड करके दिखाऊंगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना पहला कार्ड उसके अंदर ऐड करते हैं तो आपको यहाँ 50 रुपये तुरंत ही आपके अकाउंट में मिल जाते हैं। इसका मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। अगर अभी आपने अपना क्रिएट के अंदर अकाउंट नहीं बनाया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे अपने कार्ड को ऐड करिए, और साथ ही तुरंत आपको 50 रुपये का जो क्रेडिट है वो आपको अपने क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा जैसे ही आप अपना क्रेडिट कार्ड उसके अंदर ऐड करते हैं। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको वहीं स्टेप बाय स्टेप इस क्रिएट एप्लीकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, साथ ही उसको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, साथ ही उसके अंदर मैं आपको अकाउंट ऐड करके दिखाऊंगा और जो 50 रुपये मुझे मिलने हैं वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो चलिए सीधा हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। ये हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्रिएट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद हम पूरे प्रोसेस को समझेंगे। तो ये देखिए मेरे सामने एप्लीकेशन ओपन है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके इस एप्लीकेशन को बहुत ही आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है, मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आपके सामने यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपको इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जब आपको मेंबरशिप मिल जाएगी उसी के बाद आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। तो आप सीधा अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने है मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, आप अपना मोबाइल नंबर डालें और टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सीधा अग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप डालें और देन आपको यहाँ फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम लिखने के बाद आप सीधा प्रोसेड पे क्लिक करिए। प्रोसेड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने लास्ट नेम का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ लास्ट नेम डालें और देन प्रोसेड पे क्लिक करिए। प्रोसेड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद इनके जो सभी ऑफर्स हैं, जो आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो सब की सब आपकी ईमेल आईडी पे आएगी। तो आप अपनी यहाँ ईमेल आईडी लिखिए और नीचे देखिए यहाँ इन्होंने एक व्हाट्सएप का ऑप्शन दे रखा है। आपको अगर सभी डिटेल व्हाट्सएप पे भी चाहिए तो आप नीचे व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पे टिक मार करके सीधा प्रोसेड पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ मैं प्रोसेड पे क्लिक कर रहा हूँ। प्रोसेड पे क्लिक करने के बाद आपकी ये सिविल स्कोर चेक करता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ मेरा सिविल स्कोर चेक हो चुका है और जो मेरा सिविल स्कोर आया है वो आया है 849। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से नीचे होता है तो आपको इनकी मेंबरशिप नहीं मिलेगी। तो यहाँ मेरा सिविल स्कोर जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है, मेरा सिविल स्कोर आ चुका है और मेरे सामने प्रोसेड का ऑप्शन भी आ चुका है। तो सीधा आप प्रोसेड पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसेड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। यहाँ देखिए मेरी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। एप्लीकेशन ओपन होते ही आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड है ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड कर देता है। अगर आपको आपके कार्ड ना दिखाई दे तो आप सीधा कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे सामने ऑप्शन आ चुका है। अभी मेरा जो एचडीएफसी बैंक का कार्ड है यहाँ ऑटोमेटिकली आ चुका है, लेकिन जो मेरा आईसीआईसी बैंक का कार्ड है वो नहीं आया है। तो अभी हमको इस क्रेडिट कार्ड को अपना वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए नॉर्मली आप यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करें।
वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपनी कार्ड डिटेल डालनी है और सीधा टिक मार्क वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। तो यहाँ मैं अपनी कार्ड डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने अपनी कार्ड डिटेल डाल दी है। अब सीधा आप वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करिए। वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके सामने वेरीफाई का ऑप्शन आएगा और जब आप इसे वेरीफाई करेंगे तो 50 रुपये का ट्रांजेक्शन आपके डेबिट कार्ड के अंदर किया जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ मेरा जो कार्ड है वेरीफाई हो चुका है और मेरे सामने मैसेज भी आ चुका है। अब इनका देखिए एक्टिवेट कार्ड प्रोडक्ट, तो आप इस वाले फीचर्स को भी यहाँ अनेबल कर दीजिए, क्योंकि जब आप इस वाले फीचर्स को अनेबल कर देंगे तो आपकी जो बिल डिटेल है वो आपको आपकी ईमेल के माध्यम से और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलती रहेगी, साथ ही इसकी नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और जो आपका बैंक चार्ज लेता है उसकी डिटेल भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। तो यहाँ मैं सीधा एक्टिवेट कार्ड प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। अब आपके सामने ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा, आप अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ से ईमेल आईडी सेलेक्ट कर दी है। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने अलाव का ऑप्शन आएगा, आप सीधा अलाव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ मैंने अलाव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है और ये जो मेरी प्रोडक्ट वाली सर्विस है ये यहाँ देखिए एक्टिवेट हो रही है आपके सामने, ये लाइव चल रहा है और यहाँ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और देखिए मेरे जो क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर 50 रुपये भी आ चुके हैं। अब अगर आपको अपना दूसरा कार्ड यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है वो आपको यहाँ ऐड करना है तो नॉर्मल आप यहाँ ऐड कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और देन आपको यहाँ अपने कार्ड की डिटेल डालनी है। तो यहाँ मैं अपने उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल देता हूँ जो क्रेडिट कार्ड इसने ऑटोमेटिकली नहीं लिया है। तो चलिए यहाँ मैं जल्दी से डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल दी है। अब मैं सीधा वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ मुझसे नहीं पूछ रहा है कार्ड होल्डर नेम, तो मैं अपना ही नाम डालूंगा। ये मैंने अपना नाम डाल दिया। अब मैं सीधा वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए ये मुझे 1 रुपये का डिपॉजिट करेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम करते तो आपको 50 रुपये डिपॉजिट के, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम करोगे तो ये 1 रुपये डिपॉजिट आपके अकाउंट में करेगा। तो मैं सीधा यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए मेरा जो ICICI बैंक का अकाउंट है वो भी ऐड हो चुका है और क्रिएट की तरफ से मुझे मैसेज भी आ चुका है और साथ ही मुझे व्हाट्सएप भी आ गया है। मैं आपको व्हाट्सएप भी यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए व्हाट्सएप पर भी इसे मुझे शो कर दिया है। तो यह एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आपको काफ़ी सारे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हो और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड से जो है सभी अपडेट आपको ईमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से मिलते रहते हैं। इसमें जो बिल पे किया जाता है उसकी जानकारी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह का बिल पे कर सकते हो। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने केवल आपको इसको एक्टिवेट करने का तरीका बताया और कार्ड ऐड करने का तरीका बताया। तो आप इंतजार करिए मेरे आने वाले वीडियो का जिसमें मैं आपको उसके माध्यम से बिल पे करके दिखाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट किस तरह ऐड कर सकते हो। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहे और इंतजार करिए मेरे आने वाले वीडियो का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।